11 अगस्त की एक तकरीर जो फिल बदी कायद आजम ने की विदाउट एनी नोट्स, उसको मिस कोट करता है हमारा लिबरल तबका, और उस एक कोटेशन जो कि मिस कोट किया जाता है की बुनियाद पर कहते हैं कि पाकिस्तान कायदे आजम सेकुलर थे और पाकिस्तान को सेकुलर होना चाहिए। पहली बात क्लियर कर लें, सेकुलरिज्म की तारीफ में सेकुलर बंदे से नहीं लूंगा। अगर अंग्रेजी से उठ कर जाया है, ओरिजिन पुराना होगा, तो मैं इंग्लिश की डिक्शनरी से मालूम करूंगा, किसी सेकुलर बंदे से नहीं लूंगा। और अंग्रेजी की डिक्शनरी से उठा लीजिए, वो कहते हैं स्टेट रिलीजन हैज नो रोल टू प्ले इन स्टेट अफेयर्स। मजहब को रखो अपने घर के अंदर, अपनी इबादतगाह के अंदर, मजहब का कोई ताल्लुक, रिलीजन इंग्लिश वाला, कोई ताल्लुक जो है वो स्टेट के साथ नहीं। ये जुमला ठीक होगा क्रिश्चियनिटी के लिए, जुडाइज्म के लिए, हिंदू मत के लिए, मसीहत के लिए, यहूदियत के लिए ठीक होगा, बट इस्लाम इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, इस्लाम इज दीन। और इस्लाम अरबी का लफ्ज है तो कुरान से पूछूंगा, अरबी में जाके देखूंगा, किसी मौलवी साहब की डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं। आजकल लोग कहते हैं ना मौलवियों का इस्लाम नहीं चाहिए, मौलाना मौदूदी का इस्लाम नहीं चाहिए, डॉक्टर इसरार का इस्लाम नहीं चाहिए, ये फिरकों का इस्लाम नहीं चाहिए, खारजियों का इस्लाम नहीं चाहिए, इसका इस्लाम नहीं चाहिए, उसका इस्लाम नहीं चाहिए। तो बाबा किसका इस्लाम चाहिए? अल्लाह का ना, तो अल्लाह की किताब से पूछो ना, अल्लाह के रसूल का ना, तो पूछो तो सही अल्लाह के रसूल से। तुम तो अपने मुल्क में कुरान पढ़ाने नहीं देते, कुरान तो कहते हैं चोर के हाथ काटो, कुरान तो कहते हैं डाकू की ये सजा है, कुरान तो कहते हैं ज़कात के साथ उशर का मामला भी होगा, सिर्फ सजा ही नहीं। कुरान तो कहते हैं जिनको इख्तदार मिलेगा वो नमाज कायम करेंगे, तुम्हें जुम्मा भी पढ़ाना पड़ेगा भाई हुक्मरानों को। जी इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, हाकमियत अल्लाह की, तुम हुक्मरानी के दावे नहीं करोगे, अवाम की हुक्मरानी, हुक्मरानों की हुक्मरानी। नो, वी आर सर्वेंट टू अल्लाह सुबहानो ताला, हम उसके खलीफा हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके नुमाइंदे हैं। दिस इज इस्लाम ऑफ अल्लाह सुबहानो ताला, यही दे दो हमें। बातें करते हैं लिबरल सेकुलर हुक्मरा मुक्तदर तबकात, इसका इस्लाम नहीं। और 77 बरस से तुमने कौन सा इस्लाम हमें दिया है? इसका नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए, तो अल्लाह का इस्लाम हमें दे दो ना भाई। और कायदे आजम ने कहा था, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बन गया, मेरा ईमान ये रसूलुल्लाह का रूहानी फैदान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायदे आजम के ये रिकॉर्ड पर कोटेशन मौजूद है, डिस्टॉर्टेड नहीं, रिकॉर्ड पर है। और हमारा फर्ज है कि खिलाफत राशिदा को सामने रखें, उसूल ले, रहनुमाई ले, और अहद हाजिर की इस्लामी फलाही रियासत दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। दिस वॉज कायदे आजम। इकबाल वॉज वेरी क्लियर, सरवरी जेबा फकत उज़ात बे हमदा को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुताने आजरी। अल्लाह की हाकमियत होगी, बंदों की नहीं।